नमस्कार दगड़ियों, मैं गोपाल कांडवाल, गोपाल कांडवाल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दगड़ियों, मैंने आज का कई दिनों बाद शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एकादशी के बाद से होली शुरू हो गई है। तो आज 2-3 दिन हो चुके होली शुरू हो गए। तो आपको पहले मैं अपने गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ, और सामने से अब हो चुका है सूर्योदय भी हो चुका है। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ यहाँ का व्यू। कुछ दिन से मैं जो ब्लॉग नहीं बना रहा था, पिछले 4-5 दिन से, मैं 1-1.5 हफ्ते पीछे से ब्लॉग नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरे पेपर चले हुए थे। तो मैं आपको यहाँ का आप सारा व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं सूर्योदय हो चुका है, और ये हमारी बाखली। तो मैं गया हूँ छत पर गड़ियों, तो आप हमारे यहाँ के पहाड़ के नज़ारा देख सकते हैं। गुड़े, मैं आप सभी को पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने अपने जो चैनल का नेम है वो चेंज कर दिया है। क्योंकि इसलिए चेंज किया है कि बहुत लोग मुझे बोल लेते, बता रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे मुझसे, कमेंट भी आ रहे थे बहुत लोगों के कि भाई अपना चैनल का नेम चेंज कर लो। और कई मुझे दोस्त, मेरे भाई लोग भी बोल रहे थे कि अपने स्कूल दगड़ी व्लॉग्स से नेम चेंज करके अपना, मतलब कोई अलग रख दे। चाहे मैं बोला क्या रख लूँ, तो बोले थे चाहे जैसे सौरभ जोशी व्लॉग्स रखा है तो ऐसे कुछ भी रख ले। तो और अमित नेगी व्लॉग्स होगा, आपने देख रखा होगा, तो आप नहीं देखते हैं तो मैं तो अमित नेगी ब्लॉग्स डेली देखता हूं, और मुझे उनके ब्लॉग पसंद भी आते हैं। तो वो मैंने ऐसी टाइप से अपना उनके नाम देखते ही, और अब सब दो भाई लोग भी बोल लेते हैं, तो इसलिए मैंने अपना चैनल का नेम रख लिया है गोपाल कांडवाल ब्लॉग्स। तो अगर आप मतलब कमेंट आ रहे हैं तो आपको पहले का नेम स्कूल दगड़ी ब्लॉग्स सही था, या आपका चैनल का नेम गोपाल कांडवाल ब्लॉग्स सही है, वो आप कमेंट करके बताना। तो जैसा मुझे मतलब पहले मुझे कमेंट आए थे कि एक चैनल का नेम चेंज करो, तो मैंने चेंज किया है। तो हमारा जो रसोई का काम लग रहा है तो आधा कोई भी हो चुका है, और सब कुछ मटेरियल भी आ चुका है, सामान ईंटे सीमेंट रेता वगैरह आ चुकी है। तो उसके लिए मुझे आज काम करना है, बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि ताऊ जी आज कहीं गाँव के गए हैं, तो उनके साथ तो वो पहले बहुत लगे थे, तो आज हमने कोई और बुला रखा है काम के, क्योंकि काम तो रोक नहीं सकते, तो इसलिए बुला रखा है। तो आपको दिखाता हूँ कितना काम हो चुका है हमारा। अभी मैं छत पर गया हूँ, तो यहाँ से अभी देख सकते हैं कि जो नीचे वो नींव होती ना मकान की, वो डाली चुकी है, और इसके ऊपर से अब ईंट की चिनाई आएगी। तो देख सकते हैं ये कुछ अभी उधर साइड भी बन रहा है, आधा उधर नहीं बन रखा है फिलहाल, इधर का बन रहा है, और कुछ पता नहीं यहाँ पर भी कुछ बन रहा है। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं कि ईंट भी आ चुकी हैं, ये देखिए ईंट, और यहाँ पर रेता दो प्रकार की आ रखी है, एक पतली वाली और एक लेस वाली। जो मुझे भी आज बहुत कुछ काम करना है, जो पहले तो मुझे ईंटें भिगानी है, तो मैं पहले ईंटें भिगाता हूँ, उसके बाद जो रेता पीछे दिख रही है आपको उसको छानना है, जो इस छन्नी पर इससे छानना है। पहले मुझे ईंटें भिगानी है, तो मैं ईंटें भिगा लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं। थोड़ी इतनी सारी ईंटें भिगाने के लिए डालनी है इस पर, और देख सकते हैं मतलब पानी कितना पी रहा है। थोड़ी सुबह और शाम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बनियान के बिना तो रहा नहीं जा रहा है, तो मैंने तो अभी पहनी नहीं है, लेकिन ईंटें भिगा रहा हूँ अभी, तो इनको भिगाता हूँ, उसके बाद रेता छननी है। तो मुझे अगर आज मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा ब्लॉग बनाने का, तो मुझे जितना भी टाइम मिले मैं ब्लॉग बना शूट करूँगा। पानी पीता सटे रसे बो
चुके हैं 6 और मेरा काम भी हो चुका है पूरा। तो मैंने जो आज काम किया तो आपको दिखाता हूँ क्या 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 किया। तो हमने जो सुबह देख रहे थे आप, पहले तो सुबह मैंने ईंटें भी गई, उसके बाद फिर रेता छानी, और उसके बाद जो हल्के फुल्के ताऊजी के साथ है बेलचा लगाया, और जो चढ़ाई भी हो चुकी है, चढ़ाई भी हमारी हो चुकी है इतनी जो रसोई की है, ये देखिए इतनी। और इधर अभी एक कमरा और आएगा इधर साइड पे, तो देख सकते हैं। और अभी शाम का सूर्य डूबने का टाइम आ चुका है, ये देखिए। वापस साई देवी के मंदिर और सामने पहाड़ियों का नज़ारा। ना आज काम से मतलब मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जो मैं आप ब्लॉग शूट कर पाऊँ, तो मैंने दिन में ना खाने का दिखा पाया, ना कुछ दिखा पाया, कुछ नहीं दिखा पाया आज ब्लॉग में। तो मैंने अपने बहन से बोला था कि आज तू फ़ोन ले जाना, और वहाँ जो होली है ना, एकादशी से होली शुरू हो चुकी है, मैं सुबह भी बताया आपको, और होली हो रही है तो उसकी वीडियो बना के ले आना बोला था मैंने, बना लाई है। तो मैं आपको मेरे ब्लॉग में आप पीछे देख लिया होगा, तो उसने बनाई थी, तो मैं तो कुछ नहीं दिखा पाया आपको। तो अभी शाम का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया कैसा और क्या। तो अभी सूर्य डूबने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल से क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मतलब आज से, तो काम शुरू लगा है, तो कैसे कैसे जा सकता हूं, तो नहीं जा रहा हूं। तो एक हवा मतलब सुबह और शाम से ज़्यादा ठंडा हो रही ना, तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। तो एक तो देख सकते कितनी हवा चल रही है, देखिए मैं आपको कुछ दिखा भी पाया नहीं हूँ। तो मैं आज तैयार की ओर जाता हूँ और देखता हूँ उधर कैसा, मतलब कितने गेहूँ कितने हो चुके हैं, कितनी हरियाली हो रही है वो देखता हूँ। तो शायद से मुझे लग रहा है मेरे उसमें हवा की आ रही हो, हवा आ रही होगी, और उसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ की इल्लत सुनाई नहीं दे रही होगी। तो अब मेरा मतलब ना, मेरे बर्थडे पे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, वो अभी घर नहीं पहुँचा है, माइक वो मेरे लिए माइक आ रहा है। मैं अभी आपको मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो जब भाई लोग अगले इस महीने 10-12 तारीख तक कब भी, मतलब 20-25 तारीख तक जब भी घर आएगा तो उसको ले आएगा, तो उसके बाद आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी, ना कोई हवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मैं पहले चलता हूँ तैयार की ईंटें मैं सुबह भिगा रहा था, वहाँ पर भी अम्मा सुबह के लिए ईंटें अभी अम्मा भिगा रही है, तो देख सकते हैं आप अम्मा भिगा रही है, मतलब छोटे मोटे काम पे लगी रहती है हमारी रानी विक्टोरिया। ये देखिए ईंटें भिगा रही, क्या कर रही है अम्मा, ईंट भिजान चाहिए। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पर दैन मतलब हो चुकी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, उस वजह से नहीं हो रही इस साइड पर मैं गया हूँ। और ताई जी लोग यहाँ पर भैंस के लिए जो गेहूँ आप क्या करते हैं, बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए गेहूँ भैंस के लिए घास की तौर पे निकाल रहे हैं। तो मतलब अगर बारिश होती तो मतलब ये हो ही जाते गेहूँ, लेकिन आप क्या करें, ताई जी लोग निकाल लें, देखो मम्मी होगी, ताई जी लोग यहाँ पर उसके लिए निकाल रहे हैं भैंस के लिए, भैंस गाय के लिए चारे के तौर पर इनको देंगे उसको। तो तैयार की ओर से देखा कि आपने कितना कैसा हो रखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे घर के पास ही यहाँ पर जो वो है ना, वहाँ पर हरियाली हो रखी है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरियाली हो रही है। तो फिलहाल तो अभी कुछ तो आज की गाय हमारी, तो अभी और कुछ कोई कुछ नहीं आ रखी है, तो उनको तब 6:30 बजे का टाइम हो रखा है, तो अभी तक एक गाय भी नहीं आई है। तो मैं उनको, मैं तो पीछे से मुद्दा भी आ रहे हैं, तो ढूंढने जा रहे हैं, तो देखते हैं कब कहाँ कहाँ मिलती है हमें गाय, तो जाते हैं। फाइनली वीडियो हम भी गाय लेके आ चुके हैं घर। तो गाय ना एक जगह पे ऐसे खड़े हो रखी थी, मतलब पता नहीं थी एक हमारी गाय थी, एक मनुता की गाय थी, तो बस ऐसे गाय खड़े हो रखे थे ना, तो आ ही नहीं रहे थे, तो हमको वहाँ जाकर जाना पड़ा, बहुत नीचे गए, तो वहाँ फिर ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला, कि एक तो पूरा अंधेरा हो चुका था, तो कुछ मेरे पास लाइट का मतलब सामान भी कुछ नहीं था, तो इस बार मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो अब घर पहुँच चुका हूँ गाय लेके, अभी जस्ट पहुँच रहा हूँ, मुँह हाथ धोने के बाद अपने रूम में आया हूँ, और तो मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ मम्मी लोग खाना में क्या बना रहे हैं। फाइनल देखो मम्मी भी बना रही है रोटी, तो अब रोटी भी बनी चुकी है, तो मैं आप करते हैं खाना पीना, तो ब्लॉग को भी यहाँ पर एंड कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।